घर से बाहर जाने की इच्छा होती नहीं है, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक ऐसा कुछ क्लास है जिनमें आत्मविश्वास की बहुत ही कमी होती है, उनको बहुत घबराहट होती है, उनको बिल्कुल डेयरिंग नहीं होता बाहर जाना, किसी से मिलना, बातचीत करना बिल्कुल नहीं। वो घर से बाहर जाना टाल देंगे, कुछ खरीदना है तो नहीं जाएंगे खरीदने के लिए, मॉल में जाना या बाजार में जाना तो दूर बाजू के दुकान में भी नहीं जाएंगे, अकेले अकेले बैठे रहेंगे, वैसे पढ़ाई करेंगे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, और आत्मविश्वास बिल्कुल ही कम। ये लोगों में आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत कम बार होते रहता है, और घर के बाहर निकलने के लिए उनको ऐसा धीरज नहीं होता, करेज नहीं होता, घबराहट होती रहती है। उसको लगता है कि बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत बड़ी बीमारी है कि जिसमें ये लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ लोग अपने बारे में कह रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चालू है अपने बारे में। और ये कोई ऐसा पक्का विचार नहीं है, मतलब ये डिल्यूजनल लेवल पे नहीं है। लगता है कि लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और लोग अपने खिलाफ ही है, मतलब ऐसा कोई डरता नहीं हो मगर तभी भी बाहर नहीं जाता। फिर उसको पूरा ज्ञान है कि ये विचार है और ये सत्य भी नहीं है, मगर बाहर जाने के लिए डरता है। ये लोगों को फोन पे मैंने बोला कभी कि भाई फोन करो तो बहुत रेजिस्टेंस होता है फोन करने में, हर बार इनको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा मैंने फोन किया और समझो वो सो रहा होगा तो वो क्या कहेगा कि बलते जगह फोन, बलते समय फोन किया। अच्छा मैंने फोन किया और समझो वो स्नान कर रहा होगा तो, खाना खा रहा होगा तो, या जल्दी जल्दी में होगा उसने फोन नहीं। अरे भाई तुम फोन करके तो देखो कम से कम बात करनी है तो, मगर फोन करने में भी इनको बहुत ज्यादा टेंशन आता है, फोन करने में भी लोग क्या कहेंगे ऐसा दिमाग में आते रहता है। और हर बार अपने बारे में वो सोचते हैं कि अपन दिखते कैसे, अपना होना कैसे है, और हर बार वो अच्छा दिखेगा नहीं, वो बुरा दिखेगा बार बार। किसके सामने पेश होना है, किसको रिक्वेस्ट करना है, किसको कुछ पैसे मांगना है, किसको पैसे देना है, किसने पैसे मांगे तो देने का है कि नहीं देने का है, मतलब बार बार ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम व्यक्तिमत्व का भी हो सकता है, व्यक्तिमत्व में ये प्रॉब्लम एक्चुअली न्यूरोटिक इलनेस भी हो सकता है, मगर उनको जरूरत है हिप्नोथेरेपी और साइकोथेरेपी। ये लोगों को हम सीबीटी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, चर्चा करते हैं कि आप जो विचार करें वो कैसा गलत है, और ये विचार गलत है तो फिर सही विचार क्या हो सकता है। और वो एक ही विचार नहीं है, बाकी भी विचार रह सकते हैं, बाकी लोगों के विचार अलग अलग रह सकते हैं। जब वो एक विचार नहीं है और आप सोच रहे हो वो एक ही विचार है, बाकी विचार ही नहीं है, तो वहाँ से प्रॉब्लम चालू होता है। तो आप जो सोच रहे हो वो सोचने का एक तरीका है, बाकी 10 तरीके और है सोचने के, और वो यदि आप सोचते हो तो कुछ ना कुछ उसमें से हल निकलेगा, बाहर जाने के लिए डेयरिंग होगा। लोग कुछ भी कहते नहीं है, जो आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब तुम भी वो लोगों में आ गए कि तुम क्या कह रहे हो उनके बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं। डेयरिंग करो, आप देखो कि आपको कुछ तो भी घटना हुई बचपन में, और वो घटना होने के बाद में आपने एक निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, और मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता, ऐसा एक निर्णय आपने ले लिया, एक बिलीफ आपने बनाया, और वहाँ से वो प्रॉब्लम ज़्यादा 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 होते गए। तो ये प्रॉब्लम आप यदि उसको सॉल्व करते, रिजॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जीवन बहुत पावरफुल बन सकता है। इसके लिए हमारे कोर्सेज है, हमारा जो कोर्स है हिप्नोटिज्म का, वो कोर्स यदि आप करते हैं 10 सेशन का, तो वो 10 सेशन के कोर्स में हम आपको हिप्नोटिज्म, CBT सभी सिखाते रहते हैं, और उसमें 10 सेशन में करीब करीब आपको बहुत सारा फायदा हो जाता है। उसके ऑनलाइन कोर्सेज हमारे चालू रहते हैं, उसकी इंक्वायरी आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएंगी। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर मनोविकास ऐप, वो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और वहाँ कुछ डाउनलोड करने लायक वीडियोस है वो भी आप कर सकते हो। आप डेफिनेटली हमारे हिप्नोटिज्म के क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।